सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत राजपूत और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेक माई ट्रिप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने मेक माई ट्रिप मोबाइल एप्लीकेशन से यहां पर होटल बुक किया हुआ है और वहां पर जो आपकी स्टे डेट है, ठीक है, जो चेक इन और चेकआउट डेट है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बुकिंग किया हुआ है किसी भी डेट के लिए, लेकिन हो सकता है कि मैं एक दो दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच जाता हूँ या फिर एक दो दिन बाद पहुँचूँगा। तो मैं जो स्टे डेट है, वहाँ पर रुकने की जो तिथि है, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से कर सकता हूँ विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको मेक माई ट्रिप मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो जिसको मैंने ओपन कर लिया है, ओपन करेंगे तो जो भी आपकी बुकिंग होगा, चाहे वो आपका फ्लाइट की हो, होटल की हो, ट्रेन का हो, कुछ भी हो, तो आपको सबसे नीचे यहाँ पर होम के बगल में आपको मिल जाएगा माई ट्रिप्स का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको माई ट्रिप्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी बुकिंग होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर बुकिंग है होटल में, कानपुर के होटल में, तो ये ओपन होके आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी चेक इन डेट है वो 28 जुलाई की है और चेकआउट डेट है वो 29 जुलाई की है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि मैं जो वहाँ पर पहुँचूँगा, एक दिन लेट हो चुका हूँ मैं। ठीक है, तो मैं 29 जुलाई को वहाँ पहुँचूँगा और 30 जुलाई को चेकआउट करूँगा। ठीक है, या फिर डेट और भी चेंज आप कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे थोड़ा सा नीचे आना है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाता है चेंज स्टे डेट्स। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है पिक न्यू डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या था, 28 और 29 का था। अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, मुझे 30 को मैं वहाँ पर चेक इन करूँगा और 31 को चेकआउट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले तो सेलेक्ट कर लेता हूँ 30 और फिर चेकआउट को सेलेक्ट कर लेता हूँ 31। ठीक है, और डन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो मेरी था 28 जुलाई से 29 जुलाई था, लेकिन अभी क्या हो चुका है, यहाँ पर 30 जुलाई से 31 जुलाई हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमको अब जिस होटल में बुकिंग है वहाँ पर भी तो हमको चेक करना होगा कि वहाँ पर जो रूम अवेलेबल है या नहीं। तो चेक अवेलेबिलिटी पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेम रूम अवेलेबल ऑन न्यू डेट्स। ठीक है, तो न्यू डेट्स को भी सेम रूम अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडिफिकेशन चार्जेस कितना है, 0, मतलब कि कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। जो भी आपकी बुकिंग था वो उतना ही बुक आपको उतना ही में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो ये दिया हुआ है कन्फर्म डेट चेंज, तो कन्फर्म पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो जो आपकी बुकिंग है वो अपडेट हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर 28-29 था, लेकिन अब क्या हो गया, 30-31 हो गया, डेट चेंज हो चुकी है। और यहाँ पर नीचे सी अपडेटेड बुकिंग पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे मेक माई ट्रिप मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ से यहाँ पर आ चुका है मेल और मैसेज। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है, आप क्लिक कर देंगे मॉडिफाइड पर, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आप हो गया है 30 जुलाई से 31 जुलाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टे डेट को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।